सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं डेथ स्पीकर, मैं आपका होस्ट राम। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही क्रीपी होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ हॉन्टेड नंबर हैं जो गूगल पे दिखाए जाते हैं कि हाँ, उन पे कॉल करने के बाद में कोई क्रैश या श्राप जो भी है वो उस कॉल करने वाले को लग जाता है, या उसका कोई अनहोनी हो जाती है उसके हिसाब से। तो आज मैंने उन नंबरों के बारे में कुछ छानबीन की थी गूगल पे, और मैं कुछ ऐसे छांट के नंबर लेके आया हूँ, 5 से 10 नंबर। वैसे तो बहुत सारे नंबर बताए गए थे, तो आज हम उन नंबरों पे कॉल करेंगे और देखेंगे कि उन नंबर के बारे में क्या कहानी है, और उन नंबर पे कॉल करने के बाद में होता क्या है। तो एक थाईलैंड का ट्रस्ट नंबर है, उसके पीछे कहानी ये है कि उस नंबर पे कॉल जाती है, उसके बाद में वहाँ से रिप्लाई आता है, रियल सा एक रिप्लाई आता है, क्रिप्टी सा साउंड आता है, उसके बाद में अपनी जो विश होती है वो मांगनी होती है। इस नंबर पे कॉल करने के बाद में ये कहा जाता है कि जो बंदा इस पे कॉल करता है 24 घंटे के भीतर वो पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाता है, और 24 घंटे के भीतर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अपन वो नंबर अभी ट्राई करेंगे, जो कि है 9999999999, यानी 10 times 9 है। तो अपन लाइव कॉल करेंगे, ये आपके सामने नंबर आप, और इस पे कॉल करके स्पीकर पे करूँगा मैं, जो भी रिप्लाई आएगा वो अपन देखेंगे। कॉल जा रही है, फॉरवर्ड हो चुकी है, अभी तक कुछ बोला नहीं। आपके सामने कॉल जा रही है, वैसे ना तो कोई साउंड आ रहा है, ना रिंग बज रही है, कॉल है। अपन दोबारा ट्राई करेंगे, ने दोबारा कॉल लगा दी है, कॉल फॉरवर्ड हो चुकी है। नो रिप्लाई, ना कोई क्रिपी साउंड है, ना जैसा इस नंबर के बारे में बताया जाता है वैसा कुछ है। अपन अभी चलेंगे नेक्स्ट नंबर की ओर, अपन अभी एक नेक्स्ट नंबर की ओर जाएंगे। मैसेज ऐसा, मैंने उस नंबर के बारे में सोचता वो सुना हुआ है कि उसके बाद में 3 बार बैक टू बैक कॉल आती है इस नंबर को मिलाने के बाद में, जो अपन ने 999 मिलाया था उस पे कॉल करने के बाद में अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उसके बाद में बैक टू बैक 3 कॉल आती है। अपन वेट करेंगे, अगर बीच में आ जाएगा तो देख लेंगे। तब तक अगला जो क्रीपी नंबर है उसके बारे में ये बताया जाता है कि इस नंबर पे कॉल करने के बाद में आपको अजीब साउंड आएगा, क्रीपी वॉइस आएगी, जैसे किसी चीज को हथौड़े से मारते हैं इस जैसा कोई साउंड आएगा, उसके बाद में एक नंबर बोला जाएगा और अपने बारे में बताया जाएगा। साउंड उधर से आ रहा है तो थोड़ा सा डर लग गया था। तो इस नंबर पे कॉल करने के बाद में टेक्स्ट मैसेज में अपने को कुछ कोड आएंगे, और उसके अंदर अपना अपने बारे में कोई बताएगा, और अपने साथ आगे 24 घंटे में या कुछ दिनों में क्या होगा उसके बारे में भी बताया जा सकता है। तो ये इस नंबर पे कॉल करते हैं अपन, ये नंबर है 6068681844।
डायरेक्ट कॉल एंड हो गया, अपन दोबारा से कॉल करेंगे। डायरेक्ट कॉल एंड हो रहा है तो ये नंबर भी काम नहीं कर रहा। हालांकि इसके बारे में भी गूगल पे बहुत बार बताया गया है कि इसके अंदर टेक्स्ट मैसेज के अंदर अपने को अपने बारे में बताया जाएगा। बहुत से YouTube चैनल्स पे भी ये नंबर जो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो करे हुए हैं, तो अपने साथ कुछ नहीं हुआ ऐसा जो कुछ क्रीपी बोला जाए। एक और नंबर है जिसके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वांटेड क्रीपी रोस्ट नंबर या श्रापित नंबर अपन कह सकते हैं। उसके अंदर स्टार्टिंग में जब कॉल जाएगी तो हॉर्न, कार के हॉर्न की जैसे आवाज़ आएगी, बाद में एक वाइब्रेशन जैसा आवाज़ आएगा, उसके बाद में वी आर सॉरी बोल के ऐसा बताया जाता है। मैंने ट्राई नहीं किया, आपके सामने कर रहा हूँ। तो वैसा होके उसके अंदर भी कुछ क्रीपी साउंड चीखने की चिल्लाने की ऐसे आएगी, तो वो भी अपन नंबर ट्राई कर लेते हैं। वो नंबर है 5086906943, 5086906943। ये नंबर आपके सामने है, अपन इस पर भी कॉल करके देख लेते हैं। स्पीकर पे है फोन, ये भी डायरेक्ट एंड हो रही है कॉल इसकी। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉल एंड हो रही है। तो ये नंबर भी दोबारा अपन ने कर लिया, डायरेक्ट है। ये नंबर भी अपना नहीं काम में आया। इसके बाद में एक जापानीज जो जापान का क्रस्ट नंबर है साडुको, जैसे इसके अंदर बोला जाता है कि एक रिंग जाने के बाद में कोई मूवी है उसके ऊपर नंबर का नाम पड़ा है, तो इसके अंदर भी अपने को क्रीपी नॉइज रखती है। इसके अंदर एक वर्ड बोला जाएगा सी जैसे, और जापान के अंदर जो सी का मतलब होता है वो डेथ या फोर से होता है, और जापान के अंदर फोर से आजकल आप गूगल पे देख लो, जापान के अंदर फोर नंबर को फर्स्ट नंबर के हाथ बढ़ा जाता है। फोर नंबर वो सबसे ज़्यादा फोर नंबर से डरते हैं और उसको अवॉइड करते हैं। तो ये नंबर जापान का है जो कि 09044444444, ये नंबर है। तो अपन ये भी ट्राई करके देख लेते हैं कि इसको क्या बोल रहे हैं। ये अमान्य बोला गया है, अपन दोबारा से ट्राई करते हैं। ट्राई भी मैंने 3 से 4 बार कॉल करके देख लिया, तो ये नंबर 666 नंबर है जो कि क्रस्ट माना जाता है, और उस पर भी कॉल करेंगे। इसके पीछे की कहानी का मेरे को पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी क्रीपी वॉइसेस आती है, तो ये भी अपन ट्राई करेंगे। ये नंबर भी अमान्य बोला जा रहा है। अभी लास्ट में एक नंबर है जो कि गूगल पे बहुत
ज़्यादा वायरल हुआ है पिछले 6 महीने के अंदर, जो कि बुल्गेरिया का बताया जाता है। और उस नंबर पे कॉल करने के बाद में 3 करोड़ की टैक्स, तो अपन वो नंबर भी ट्राई कर लेते हैं। उसके उस नंबर को लगाने के बाद में अपने को क्या रिप्लाई आता है, जैसा कि YouTube पर अपने को बताया जाता है कि इन नंबर पे कॉल करने पे कोई क्रश कॉल से होती है, उससे अपने पे इफेक्ट पड़ता है, तो उसके पीछे का सीधा सा रीज़न ये होता है कि अपने को वो कॉल करते दिखाते हैं, नंबर पे कॉल किया दिखा दिया, उसके बाद में वो कटआउट लेके अपने किसी दूसरे नंबर से उसी नंबर पे कॉल करके और उसके बाद में स्पीकर पे उधर से कोई और जन ऐसी क्रिपी साउंड निकालता है। तो YouTube के ऊपर जो भी आपको ऐसे क्रश नंबर के बारे में वीडियो देखने को मिलती है वो सारी स्क्रिप्टेड होती है, और उनके अंदर ऐसे क्रश नंबरों का कोई जो बताया जाता है कि उसके बाद में ये होगा वो होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। अपन ने लाइव ये चीज़ देखी है, कोई भी नंबर मिला नहीं, जो मिला वो बिजी बता रहे हैं और ज़्यादातर नंबर जो थे वो अमान्य बता रहे हैं। तो ऐसा क्रश्ड नंबर जैसा अपने को कुछ नहीं दिखा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी मिथ्याओं से जागरूक करने के लिए ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।